सोलन शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ के सांसद हैं वीरेंद्र कश्यप। सांसद महोदय ने यहाँ के लोगों को बहुत वायदे किए थे। किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट का वायदा किया था तो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के सपने दिखाए थे। शहर को बढ़िया सड़कें और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात तक कही गई थी। इन वादों को लेकर सोलनवासियों ने अपनी मिली जुली राय रखी है। कुछ शहरवासियों ने कहा कि सोलन में जो विकास हुआ है वह भाजपा सरकार ने ही करवाया है, तो कुछ मतदाताओं ने ये तक कहा कि जो वायदे भाजपा सरकार ने बेरोजगार युवकों से किए थे वे पूरे नहीं हो पाए हैं। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अस्पतालों और सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। वहीं जो गांव सांसद वीरेंद्र कश्यप ने गोद लिया था वे आज भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहा मतदाताओं ने। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी बनी तो उन्होंने उससे पहले जो भी वादे किए थे वो किसी प्रकार से धरातल पे नहीं उतरे, चाहे वो प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी हो और चाहे यहाँ के संसद सदस्य की। यहाँ पे सड़कों की बात करें तो जिस समय यहाँ पे गडकरी जी आए थे तो उन्होंने कितने नेशनल हाईवे बनाने की यहाँ पर घोषणा की थी, मगर अगर आज धरातल पर देखें तो उनकी अभी DPR भी नहीं बनी है। वो घोषणाएं मात्र एक जुमला बनकर फिर वही, क्योंकि जुमलों की सरकार रही है, जुमलेबाजी संसद सदस्य कर रहे हैं, जुमलेबाजी इनके मंत्रियों ने की है। और न सड़कों की जो हालत इस समय है, अगर आप देखें तो बर्फबारी के बाद आधे से ज़्यादा गांव के का संपर्क बिल्कुल कट चुका है और लोग बड़ी परेशानी की हालत में। और सांसद साहब ने जो जितने भी वादे किए थे उसमें से 1% भी कोई भी कमिटमेंट को ये पूरा नहीं कर पाए, चाहे उसमें रोजगार की बात हो, चाहे उसमें किसानों की बात हो, चाहे उसमें व्यापारियों की बात हो या किसी अन्य नागरिक की बात हो, किसी भी वादे को ये पूरा नहीं कर पाए। और जितनी भी इनकी योजनाएं थी वो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल फेल हुई हैं, उसमें ये कुछ भी नहीं कर पाए। अब चुनाव आने वाले हैं तो ये उज्ज्वला गैस कनेक्शंस जनता में बांट रहे हैं, उसका औचित्य हमारी समझ से बाहर है। कनेक्शन तो ये गरीब परिवार को दे रहे हैं लेकिन उसकी रिफिलिंग के पैसे कौन देगा? एक गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं ले सकता, जिससे कि ये गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। क्षेत्र का विकास तो इसी से मालूम होता है कि जो इन्होंने गांव एडॉप्ट किया था उसका विकास आप जाकर देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत है। बाकी विकास का आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी क्षेत्र का कितना विकास हुआ है।